न्यूयॉर्क सिटी के एक अपार्टमेंट में एक बच्चा जिसका नाम जॉर्ज है, जो कि मॉरिसन दो दिन से देखता है आकाश से कुछ नीचे गिर रहा है, जो कि एक बॉल जैसा था, जैसे किसी मेटल की एक बॉल है जो कि खिड़की के ग्लास को तोड़ती हुई उसके घर में रखे एक्वेरियम में आकर के गिरती है, जो कि स्पीटली उस एक्वेरियम के पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। आफ्टर 3 मंथ मूवी में दिखाया जाता है आसमान से वापस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास एक आग का गोला आकर के गिरता है, जो कि हूबहू इंसानों जैसा दिखता है। वो वहां से बाहर सिटी के बीचों बीच जाता है, लोगों को देख उन्हीं को कॉपी करता है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है, जो कि जोश की माँ थी जीना। उसे गाड़ी को ड्राइव कर रही थी लेकिन उसे कुछ नहीं होता, सिर्फ पैर में चोट लगी थी। तब वो लेडी वहां पर जो कि एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। तो वो एक कोने में जाता है खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके कान के पास एक गेट ओपन होता है, उसमें से एक अंदर बाहर निकलता है और नीचे लटकता हुआ उसके पैरों तक जाता है, जो कि हमें यहाँ पर इस बात का पता चलता है कि वो एक स्पेसशिप है जिसे 100 छोटे छोटे ह्यूमनॉइड एलियंस द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि हूबहू इंसानों जैसा दिखता है। अब इस स्पेसशिप का निरीक्षण किया जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तब एक एलियंस बताता है कि डायग्नोस्टिक नॉट वर्किंग, जहाँ पर दूसरा बंदा बताता है धरती के समय के अनुसार 48 घंटे के बाद में उनका सिस्टम फेल हो जाएगा, जो कि स्पेसशिप के एलियंस को पता नहीं कि जहाज को इंसानों का जैसे कैसे बनाया जाए। स्पेसशिप कैप्टन मीटिंग करता है और बुलाता है और कहता है कि उनको अपने प्लैनेट नील को एनर्जी क्राइसिस से बचाने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें नमक की जरूरत है। तब वो पृथ्वी के महासागरों को सुखाकर लाने की योजना बनाते हैं, लेकिन वो उसे उस मेटल की बॉल से ही पॉसिबल कर सकते हैं, और अब वो सबसे पहले उस बॉल को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। तब जोश को दिखाया जाता है उसे बॉल से खेलते हुए। तब वो खिड़की से बाहर देखता है तो अपनी माँ को कहता है कि कोई बाहर बंदा है जिसने ड्रिंक की हुई है और वो नीचे खड़ा है। जब जीना उसे देखती है तो वो कहती है नहीं, ये वही बनता है जिसे उसने हिट किया है। तो वो दोनों उसके पास जाते हैं तो उसके अंदर बैठे सब लोग उसे देखते हैं और कैप्टन उसे कांटेक्ट करने की अपने वर्कर को कहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी सीन है कि उसके पोते ही वहां रखे ग्लासेस टूटने लगते हैं क्योंकि उसका साउंड बहुत ही ज्यादा हाई था। एटलीस्ट वो जीना से बात कर पाते हैं और जीना उसे अपने साथ घर पर चलकर पानी पीने का बोलती है। तब दोनों वहां से चलते हैं, तब सीढ़ियों पर मार्क रोड्स जो कि जीना का पड़ोसी है मिलता है। वो उसे हाथ मिलाता है तो भी उसको वो कॉपी करता है। मार्क कहता है ओहो लैफी इट्स फनी, क्योंकि वो मार्क को यहाँ पर टोटली कॉपी करता है। तब जीना उसे वहां से अपने साथ ले जाती है। घर पर जीना उसे पानी देती है पीने के लिए, जिसे पीते ही स्पेसशिप में एलियंस टूटने और तैरने लगते हैं। तब जीना अपना नाम बताती है और वो उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम बताता है मिंग चेंग, जो कि उसे उसी के अंदर से ऑपरेट किया जा रहा था, इसीलिए वो हर काम कुछ देर बाद ही करता है, मीन्स कुछ देर बाद वो बोलता है। जिस पर जीना कहती है तुम मुझे डेव जैसे लग रहे हो। तब वो कहता है इट इज माई अदर नेम डेव मिंग चेंग। इसके बाद जीना उसे हिट करने के लिए माफी मांगती है कि उसने उसको कार से हिट किया और उसके लिए वो ब्रेकफास्ट बनाती है, जहां वो उसे केचप देती है जिसे वो बेड पर लगाए, जिसे वो एक ही बार में घटाघट पी जाता है, जिसे देख जीना हैरान हो जाती है। तभी वहां पर एक बिल्ली डेव के पैरों के पास आती है, जिसे वो हिट मार हवा में उछाल देता है। तब वो जीना के हस्बैंड की फोटो देखता है। जीना कहती है माय हस्बैंड नेवी में कैप्टन थे। डेव कहता है मैं भी एक कैप्टन हूँ, जो कि दोस्तों यहाँ पर उस स्पेसशिप को कैप्टन ही हैंडल कर रहा था। वो कहती है किस तरह के कैप्टन, वो कहता है क्रंच। तभी एलियन को वहां जोश का फोटो दिखाई देता है और उस फोटो में उसके हाथ में वो बॉल नजर आती है जिसे वो ढूंढ रहा है। तब जीना उसे बताती है कि ये बॉल को उसका बेटा बताता है कि वो स्पेस से आई है। इसके बाद वो एलियंस जोश को लोकेट करने का बोलते हैं। तब डेव थैंक्स फॉर कैचअप कहकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उस जगह को इंटरोगेट करती है जहां पर वो आग का गोला आकर के गिराता, मींस डेव। उधर डेव एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाता है जहां पर स्टोर बॉय उसे हेडफोन चेक करने का बोलता है। जब डेव वो हेडफोन अपने हेड पर लगाता है तो स्पेसशिप में डॉल्बी साउंड स्टार्ट हो जाता है जी दोस्तों, और सब इधर उधर होने लगते हैं, नाचने लगते हैं। इसके बाद वो एक कपल को किस करते हुए पार्क में देखता है और खुद भी उसको कॉपी करता है। दोस्तों टोटली फनी सीन है, अगर आपको टाइम मिले तो फुल मूवी डेफिनेटली देखिएगा। आगे चलते हैं। अब एलियंस डेव को ड्रेस बदलने का बोलते हैं क्योंकि वो एक कैप्टन नेवी कैप्टन की तरह से लग रहा था, जिसके लिए डेव एक गारमेंट स्टोर में जाता है जहां पर वो कैश काउंटर पर रखे कैश को स्कैन करता है और ट्रायल रूम में जाता है जहां पर वो पैंट रिमूव कर ढेर सारे पैसे निकालता है, और वो पैसे कैसे निकालता है जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों उसने कपड़े इसीलिए चेंज किए थे क्योंकि वो वहां पर सबसे यूनिक लग रहा था और वो बाकी के लोगों में मैच भी नहीं कर रहा था, जो कि उसका ड्रेस कोड था। उधर स्कूल में जोश को एक लड़का परेशान करता हुआ दिखाया जाता है और वो बॉल उससे ले लेता है। तभी वहां पर डेव पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि स्कूल का हाफ टीचर ऑन लीव है। तब डेव जोश की क्लास में पहुंचता है जहां बच्चों को पढ़ाता है, जो कि बहुत ही स्पीड से पढ़ाता है। तभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से एक स्टूडेंट की पेंसिल शार्प करता है और जोश को बाहर लेकर के जाता है और बॉल का पूछता है।
जोश कहता है, वो तो स्पेस से आया है, क्या तुम एलियन हो? ये सुन सभी एलियन शॉक्ड हो जाते हैं। तब जॉर्ज कहता है, जस्ट मैसिंग। वो बताता है कि वो बॉल चक मीन्स निच ने ले ली है। डेव कहता है, ओके मुझे बताओ। तब जॉर्ज डेव को लेकर के जाता है, जो कि वो एक स्टोर में पहुंचते हैं जहां पर निच उन्हें नहीं मिलता। तभी कुछ बदमाश वहां आ जाते हैं जहां वो डेव को बोलते हैं, लेट ऑन द फ्लोर। डेव कहता है, आई एम ऑलरेडी ऑन द फ्लोर। इसके बाद वो उन्हें मारता है और एक बदमाश की एक गन को अपने हाथों की उंगलियों से दबा देता है, जिसे देख जोश हैरान हो जाता है। जोश कहता है, क्या तुम्हारे पास में सुपर पावर है? डेव कहता है, नो। जोश कहता है, तुम कहाँ से हो, एड्रेस बताओ। डेव कहता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप बताओ रिच कहाँ रहता है? जोश कहता है, पता नहीं, लेकिन कल हम मॉम के साथ आकर उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। जहाँ स्पेसशिप में अंदर एक एलियन कहता है, हम कल तक वेट नहीं कर सकते, चाइल्ड इज यूजलेस, वो बॉल हमें खुद ढूंढनी चाहिए। जिस पर कैप्टन मना करता है कि जोश हमें गाइड करेगा और हमारे लिए हेल्पफुल होगा, इसी के साथ रहेंगे। तब जोश डेव को अपने घर लेकर के जाता है जहाँ पर वो दोनों गेम खेलते हैं। तभी जीना वहाँ आ जाती है। तब जोश स्टोर वाली सारी बात उसे बता देता है। जीना डेव को अपने घर रुकने का बोलती है। डेव रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में लूले और स्टीव ऑफिसर को, जो की उसी इंटरोगेशन में लगे हुए हैं, जहाँ वो आर्ट एंड क्राफ्ट से एक फेस तैयार करते हैं। उधर जीना आफ्टर डिनर डेव को कहती है कि प्लीज क्लीन द टेबल, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेव एक ही बार में सारे सामान को नीचे गिरा देता है। इसके बाद डेव वहाँ से कल मिलने का बोल चला जाता है। इसके बाद वो एक अर्बन कैंप को ज्वाइन करता है, क्योंकि नाइट उसे कहीं ना कहीं गुजारनी है। डेव के सोते ही स्पेसशिप के लोग भी सोने जाते हैं, आराम करने जाते हैं। तब कैप्टन बीच रात उठकर फीमेल एलियन के पास आता है और साथ में बैठकर दोनों मूवी देखते हैं, क्योंकि डेव उसका स्पेसशिप बैठा चाह रहा था और इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के लिए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं स्टेशन में डूले स्टीव उस क्राफ्ट को लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन ऑफिसर उनको डांटता है और उन्हें सिली कहकर वहां से भगा देता है। पर वो दोनों उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं। उधर स्पेसशिप में पावर सिर्फ 20% यानी कि 12 घंटे का बचा है और डेव जीना और जोश के साथ झूले में दिखाया जाता है, जिसकी वजह से सभी एलियन इधर उधर होने लगते हैं, क्योंकि डेव जीना और जोश के साथ झूले में बैठा हुआ था। डेव एक ईटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता है जो की बीफ हॉट डॉग था और वो उसे जीत भी जाता है। जो की स्पेसशिप में मौजूद एलियंस को बहुत खुशी होती है और खुशी में कैप्टन को वो एक थप्पड़ भी मार देती है। जब डेव को प्राइज दिया जाता है जो कि एक डायरी था, तब अंदर बैठे एलियंस उसे देख डर जाते हैं और कहते हैं कि अलर्ट हो जाओ, हमला होने वाला है। लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि इट्स एनिमिक क्रिएचर। डेव वो प्राइज उसे चीना को दे देता है। इसके बाद डेव एक वॉशरूम में जाता है जहां एलियन अंदर से सारे हॉट डॉग्स बाहर करते हैं। नेक्स्ट डे डेव को मार्क नोट्स मिलता है, वो उसे चीना से दूर रहने का बोलता है, जो कि एलियंस को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हम देखते हैं कैप्टन की नजर रिच पर जाती है, जो कि जोश को परेशान कर रहा है। तभी डेव वहां पहुंचता है और वो बॉल को ले लेता है। तब एक एलियन कैप्टन से कहता है, अब बॉल हमें मिल चुकी है, अब हमें उसका यूज करना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहता है, जो कि ह्यूमन लाइफ को एंजॉय करने लगा था। तभी वो बाहर एक गेम में बॉल फेंकता है, जो कि फर्स्ट टाइम तो वो फेल हो जाता है, लेकिन जब वो सेकंड टाइम उसे फेंकता है तो वो इतनी स्पीड से फेंकता है कि वो बॉल वापस उसी को आकर के लगती है और स्पेसशिप में फंक्शन डाउन हो जाते हैं। तब डेव को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए जाते हैं और वो वापस उठ करके बैठ जाता है और अब स्पेसशिप की लाइट भी रिकवर हो चुकी है। स्पेसशिप के अंदर एक एलियन कैप्टन को कहता है कि तुम अपने मिशन से भटक रहे हो, जिस पर कैप्टन उस पर गुस्सा करता है, जो कि अभी सभी एलियंस ह्यूमन लाइफ को इंजर करने लगे थे। तभी बाहर एक बंदा डेव को उस क्राफ्ट वाली इमेज से मैच कर लेता है। इसके बाद वो तीनों डीना का बर्थडे सेलिब्रेट करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां डेव ड्रिंक करता है, जिससे स्पेसशिप के अंदर बैठे एलियंस डूबने और तैरने लगते हैं। उधर स्टेशन में वो बंदा डेव को रिकॉग्नाइज कर बताता है कि उसने उसे देखा है। उधर रेस्टोरेंट में डेव जोश से कहता है कि वो जल्द ही अपने घर जाने वाला है, जिसे सुन जोश उदास हो जाता है। डेव कहता है, आई एम लकी कि मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, तुमने मेरी हेल्प की है मेरा घर ढूंढने में, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। वहीं स्पेसशिप में सब मस्ती करते हैं, क्योंकि डेव रेस्टोरेंट में बैठा है और वो डांस करता है। जहां पर स्पेसशिप में कैप्टन भी डांस करता है, वहीं 01 एलियन जी दोस्तों अपने लिए खुद की एक टीम तैयार कर लेता है। डांस करते समय हम देखते हैं कि एलियन स्पेसशिप से बाहर निकल गए हैं। तब डेव उन्हें उठाकर के मुंह के रास्ते अंदर डाल देता है, जो कि काफी फनी सीन है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और डेव को अरेस्ट कर ले जाती है, जहां उससे इंटरोगेट की जाती है। उधर स्पेसशिप में एक एलियन कैप्टन को अरेस्ट कर लेता है, जिसने अपनी खुद की टीम तैयार की थी और वो खुद स्पेस की कमान संभालता है। उधर स्टेशन में मार्क रोड जीना और जोश के पास पहुंचता है। वहीं एलियन अब स्पेस को हैंडल करता है, जिसे डेव स्टेशन में फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उससे अंदर हैंडल किया जा रहा था जिस तरीके से। तब एक एलियन स्पेसशिप से बाहर निकलता है तो वो एक चाय के कप में गिर जाता है। अब डेव स्टेशन में हर तरफ फायरिंग करने लगता है। वहीं स्पेसशिप में एलियन कैप्टन को आजाद कर देती है और वो सब रोकने का बोलती है। वहीं जोश जीना को डेव की हेल्प करने का बोलता है, लेकिन जीना कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। उधर वहां पर स्पेसशिप में एक एलियन और कैप्टन स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और वो किस तरह से बाहर आए, जो कि ये नजारा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब वो दोनों अर्थ पर हैं और बहुत ही छोटे छोटे हैं, क्योंकि
वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे एलियंस थे और दोनों खुद को लोगों से बचाते हुए भागते हैं। तभी उन्हें डेव नजर आता है। तब वो दोनों एक कैरी बैग के थ्रू उड़ते हुए डेव के शूज पर पहुंचते हैं और यहाँ पर कैप्टन एलियन को प्रपोज भी कर देता है। और उधर स्टेशन में ऑफिस में जब चाय बंदा पीता है तो उसे एलियन नजर आता है और वो उसे चाय से निकाल कर अपने पॉकेट में रख ले जाता है। उधर डेव समुद्र के पास बॉल लेकर खड़ा है। तभी कैप्टन और एलियन शिप में वापस आ जाते हैं और डेव को बॉल को पानी में फेंकने से रोकते हैं, लेकिन वो बॉल छूटकर पानी में गिर जाती है। और वहीं स्पेसशिप में कैप्टन एलियन को अपनी चेयर से हटाता है और अब अर्थ को बचाने में सभी एलियंस लग जाते हैं और उस बॉल को पानी से बाहर निकालकर आसमान में फेंक देते हैं। और तब डेव भी नॉर्मल हो जाता है क्योंकि स्पेस की पावर बॉल को आसमान में फेंकने से बिल्कुल नील हो चुकी थी। तभी चेना और जोश भी वहां पहुंचते हैं रोड्स के साथ में। तभी पुलिस वहां पहुंचती है। तब जोश उनका एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लेकर के डेव को दे देता है और वो स्पेस में वापस पावर रिकवर हो जाती है। तभी डेव अपना मुंह खोलता है जिसमें से कैप्टन बाहर आता है जो कि खुद एलियन कैप्टन डेव था जो कि बहुत ही टिनी साइज था। तभी ऑफिसर जो कि चाय वाले एलियन को अपने पॉकेट से निकालकर स्पेस पर बिठाता है और कैप्टन सबको सॉरी और थैंक्स बोलता है स्पेशल चेना और जोश को और अपने स्पेसशिप को लेकर के ऊपर लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फोर्स आकर के स्पेस को पकड़ लेती है और वापस से धरती पर ले आती है। लेकिन वो अपने शूज वाले छोटे स्पेस को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं जो कि वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर के बहुत खुश होते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर टाइम मिले तो पूरी मूवी जरूर देखिएगा, बहुत ही फनी मूवी है, बहुत ही फनी सीन है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट